मूर्ति उठाओ। अरे अरे तुम लोग देवी माँ की मूर्ति लेके कहाँ जा रहे हो? चलट पंडित। ठाकुर साहब इन्हें रोकिए, ये देवी माँ की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं। जब देवी माँ ही इन्हें नहीं रोक रही तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? मूर्ति चुराना बहुत बड़ा पाप है। और ठाकुर हंसराज से मुंह लड़ाना महापाप है, महापाप। चलो मगरमच्छ के कुंड ले चलो। जय माता। पंडित जी, ये किसने किया? आपके साले ठाकुर हंसराज ने। हंसराज? वो मंदिर से मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। मगरमच्छ के कुंड में। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था वो सच निकला। तुमने पुजारी की हत्या की और मंदिर से मूर्ति को चुरा कर यहाँ छुपा रहे हो। आना जाना तो ऊपर वाले के हाथ है जीजा जी। मैं तो इस बेचारे ब्राह्मण की मौत का सिर्फ एक निमित्त बना, और रही भगवान की मूर्ति की बात, तो आप ही का तो कहना है कि भगवान इंसान के अंदर रहते हैं, तो फिर इसे मंदिर में रखने का क्या फायदा? और जीजा जी, इन मूर्तियों की कीमत यहाँ नहीं विदेश में होती है। जब मैं इन्हें वहां जाके बेचूंगा तो आपका हिस्सा आपको पहुंचा दूंगा। तुम मुझे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। नहीं नहीं, कभी नहीं। जिसे हम खरीद नहीं सकते उसे हम खत्म कर देते हैं। कहाँ चले गए हमें छोड़ के? कहाँ चले गए? मेरे प्यारे जीजा जी। मैंने जीजा जी को लाख मना किया कि शिकार का शौक छोड़ दीजिए, ये जंगल बहुत खतरनाक हो गया है, जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन जीजा जी ने मेरी एक नहीं मानी। कोई कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि पिताजी को जंगली जानवरों ने मारा है। पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं। गंगा बेटे, जाना कहीं भी हो, पर इंसान का जब वक्त पूरा हो जाए तो कदम खुद ब खुद वहां पहुंचा देते हैं जहां मौत बाएं फैलाए उसका इंतजार कर रही हो। रो मत बहन, रो मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। वकील साहब,
लो बहन, इस पर दस्तखत कर दो। एक्सीडेंट का मामला है ना, तहकीकात होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़े। वकील साहब, लो अंगूठा लगा दो। राम सिंह, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ठाकुर साहब का हुक्म है, आज से आपको हवेली में ना आने दिया जाए। मालकिन, क्या बकवास करते हो, कहाँ है ठाकुर साहब? कुश्ती कर रहे हैं। हमें हवेली में आने से क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि तूने खुद अपनी मर्जी से सारी जमीन जायदाद और ये हवेली हमारे नाम कर दी है। मैंने? कब? वकील साहब, इसे पढ़कर सुनाओ तो इसने क्या लिख कर दिया है। भारती देवी, आपने इसमें लिखा है कि आपने अपनी सारी जमीन जायदाद और हवेली वगैरह अपने भाई ठाकुर हंस सिंह के नाम कर दी है, और खुद अपने बेटे को लेकर हरिद्वार के किसी आश्रम में बाकी जिंदगी गुजार देंगी। इन कागजात पर बगैर किसी दबाव के आपने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। अब तो यकीन आ गया, ये वही कागजात हैं जिन पर तूने अंगूठा लगाया था। अरे तू भाई है या कसाई? ऐसी नीच हरकत करके तूने राखी के पवित्र धागे से अपनी बहन का गला काटा है। अगर तुझ जैसे भाई और पैदा हो जाए तो इस दुनिया से राखी का त्यौहार मिट जाएगा। इससे पहले कि मैं कसाई बन जाऊं, चली जाए यहां से। कमीने मक्कार फरेबी, तूने धोखे से हमारा हक छीना है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बाबड़ हाथ उठाया। कुत्ते के पिल्ले, तेरी ये हिम्मत? अंधा, तूने एक विधवा को बेघर किया है, एक मासूम बच्चे का खून बहाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, जरूर तुझसे बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। नहीं माँ, ये बदला इससे भगवान नहीं, मैं लूंगा। कंस मामा। कंस? हाँ, आज से मेरे लिए तुम्हारा यही नाम है, कंस मामा। आज का दिन याद रखना, आज तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मेरा दूध का दांत तोड़ा है। एक दिन यही इसी जगह अगर मैंने तुम्हारी बत्ती सी न तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। चलो मां। सरस्वती बाई, वाह! सुना था मगर आज देख भी लिया। गंगा नदी के इस पार
तुम्हारे से खूबसूरत नाचने और गाने वाली कोई नहीं। शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। सरस्वती भाई, मैंने आपसे नहीं आपके लोगों को कहा है। हाँ तो भाई, आप लोग बाहर जाकर सुर मिलाइए, हम जरा सरस्वती भाई के साथ यहां सुर मिलाते हैं। चलो चलो बाहर निकलो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमने भिजवाए थे तुम्हारे लिए ये कीमती कपड़े, ये जेवरात, और इन जेवरात की कीमत है सिर्फ एक रात। छोटे सरकार, तहजीब की हद में रहकर बातें कीजिए। मेरा पेशा आवाज बेचना है, जिस्म बेचना नहीं। ओ, और हमारा पहला शौक है आवाज सुनना, फिर जिस्म को फूलों की तरह सूंघना, इनकार सुनना नहीं। दरवाजा खुलवाइए छोटे सरकार, तुम्हें गंगा मैया की कसम। ना तो हम गंगा को जानते हैं, ना मैया को मानते हैं, हम तो बस तुम है जानते हैं मेरी जान। ट्रक चला। ये ठाका बच्चा साला फिर से मस्ती कर रहा है। कौन हो तुम? गंगा। इस तरह अंदर आने का मतलब, जब भी गंगा के कान में किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है तो गंगा की ट्रक की इंजन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो तोड़ती फोड़ती सीधे मंजिल तक पहुंच जाती है, समझे? और वो लोग जो इस तरह तोड़ फोड़ करके अंदर आते हैं, उन्हें हमारे आदमी सर से पैर तक एक एक हड्डी तोड़कर मौत के मंजिल तक पहुंचा देते, समझे? भीमा, शेरा, चक्का, एक दो से। मेरे इजाजत के बगैर तुम्हें शिकारवाड़ी से नहीं जा सकती। तब तो गंगा के होते हुए शिकारवाड़ी में इनकी इज्जत का शिकार नहीं हो सकता। गंगा तो सरस्वती को अपने बहाव में ही लेकर जाएगा। मियां, बंदूक चलाने से पहले जरा उसका ताला तो खोल लीजिए। हाँ, और एक बात याद रखना, आइंदा किसी लड़की की इज्जत पर हाथ रखा तो जिस तरह इस दीवार पर जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा सर भी इन्हीं जानवरों के बीच लटकता हुआ नजर आएगा। आइए आइए, संभाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज मेरे कोठे पर आए, मैं सिर्फ आपके लिए नाचूं और गाऊं। आएंगे ना? देखिए सरस्वती जी, माना कि नाचने गाने का हमें शौक है, मगर हम किसी कोठे वोटे पर नहीं जाते। हमें तो जब मन बहलाना होता है तो ये चलती हुई ट्रक में मन बहला लेते। चलती हुई ट्रक में? हाँ,
अरे थमी हुई जमीन पर तो कोई भी मुजरा कर सकता है, चलती हुई ट्रक पे अगर कोई नाचे तो माने। ठीक है। हाँ? सुनिए, फिर कब मिलेंगे? अरे हम तो रास्ते के मुसाफिर हैं, कभी यहाँ से गुजरे और आपका गाना सुना तो याद कर लिया करेंगे आप। मैं जानती हूँ आप कोठे पर आना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप यहाँ से गुजरे मुझे आवाज दीजिए, मैं आपसे मिलने नीचे आ जाऊंगी। जरूर। अच्छा नमस्ते। कौन था वो? गंगा। इतनी जल्दी चली आई? बाकी के लोग कहाँ हैं? जग्गा, क्या तुमने उस ठाकुर को नहीं समझाया था कि मैं सिर्फ नाचती और गाती हूँ, अपना जिस्म नहीं बेचती? सुनो, छोटे ठाकुर विदेश से आए हैं, यहाँ के दस्तूर नहीं जानते, अगर जवानी के जोश में कुछ छेड़छाड़ कर दिए तो क्या हुआ? एक बात याद रखना जग्गा, आइंदा मैं किसी के यहाँ नाचने और गाने नहीं जाऊंगी। जिसे भी मेरा मुजरा सुनना हो वो इस कोठे पर आएगा और छेड़छाड़ नहीं होगी। बच के कहां जाएगी? भीमा, सलाम बड़े ठाकुर। सलाम छोटे ठाकुर। भीमा, कुंड से बंदूकें निकालो। जी मालिक। बेटा जाके जरा रंगा को ले आ। जी पिताजी। मेरे मालिक रंगा को। रंगा, तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए हमने काफी रुपया खर्च किया है। फिक्र मत करो मालिक, सूद के साथ लौटा दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ खिलौने मंगवाए हैं, ये लो। आज बहुत सालों के बाद बंदूक हाथ में आई है। तो फिर इस इलाके में ऐसी दहशत फैला दो कि यहाँ के लोग अपने घर बार अपनी जमीनें मिट्टी के भाव हमारे पास यहाँ से बेचकर चले जाएं। ठाकुर साहब। क्या? मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। क्यों? वो शादी करनी है। इस इलाके में ऐसी कौन सी लड़की है जिससे तू शादी करना चाहता है? हाँ, एक जमुना। जमुना की मांग में सिंदूर कब भरेगा ये भी बताना मौसी, तुम तो भविष्य के बारे में सारी बातें जानती हो। तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला बहुत जल्द मिल जाएगा। मगर बेटी। मगर क्या मौसी? बड़ी मुसीबतों और कठिनाइयों के बाद तेरी मांग भरेगी। ओ, और एक बात बता मौसी, वो दिखने में कैसा होगा? वो लंबा सा, सांवला, खूबसूरत जवान होगा। अरे मौसी, मेरे बारे में तो बात कर रही है जमुना। लंबा और खूबसूरत तो मैं हूं ही, और रही बात रंग की, वो कुछ दिनों में धूप में तपके सांवला हो ही जाएगा, क्यों रानी है?
सीमा, मैंने तुझसे हजार बार कहा है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? तेरे बाप ने इसके बाप के साथ ये बात बचपन में ही तय की थी। बापू ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर तेरा बाप तुझे बिना कुछ बताए इस दुनिया से चल बसा तो मैं क्या करूं? पकड़ इसे और शादी के लिए तैयार हो जा। मैं नहीं पहनूंगी। अरे कैसे नहीं पहनेगी तू? हां भीमा देख, जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। चुप, बढ़िया ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुझे उन मगरमच्छों को खिला दूंगा, समझे? और सुन, तू भी, भीमा को जो लड़की नहीं मिलती उसकी लाश उसके घर वालों को मिलती है, समझे? पकड़े साड़ी, चल जल्दी से तैयार हो जा। सतपाल। हाँ बोल गंगा। अरे क्या हुआ यार, ये सारा ट्रैफिक क्यों जाम हो गया? एक्सीडेंट हो गया यार। एक्सीडेंट हो गया? हाँ वो देख, कार और ट्रक दोनों पलटी हो गया है। ड्राइवर को तो मामूली सा जख्म है। हाँ। लेकिन अब जब तक पुलिस नहीं आती पंचनामा नहीं होता, हम तो फंस गए ना। हाँ हाँ फंस गए भैया, फंस गए। ओ बंसी। हाँ उस्ताद। अरे गड़बड़ है यार, गड़बड़ उधर, साला एक्सीडेंट हो गया है, बहुत टाइम लगने वाला है, रात भर इधर ही बिताना पड़ेगा, समझे? अरे अरे ये व्यवस्था का को बे, साला छिलका बाहर और केला अंदर, मतलब ये। ए लड़की, एक तो बिना इजाजत के ट्रक में चढ़ती है, ऊपर से हमारे केले भी खाती जा रही। हाँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बाबूजी। क्या है कि वो शैतान है ना भीमा, वो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है, उसी से बचने के लिए मैं ये ट्रक में छुप गई। अरे रानी, ये कहानी बहुत पुरानी है, जो भी मुफ्त सवारी करना चाहता है यही कहानी सुनाता है। कसम से बाबूजी, जमुना कभी झूठ नहीं बोलती। जमुना? सुना बंसी। हाँ उस्ताद। गंगा ट्रांसपोर्ट का बोर्ड देखते ही इसने अपना नाम भी जमुना रख लिया है। नहीं, मेरा नाम सोचा है, जिस तरह वहाँ गंगा जमुना बहती है साथ साथ, इसी तरह ये जमुना भी साथ साथ हमारे ट्रक में चलती रहेगी। लेकिन रानी, यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। चल चल बाबूजी, चल। अरे चल चल चल, उतर उतर नीचे, चल 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 चल, रास्ता नाप अपना, चल। अरे बारिश भी आज ही आनी थी। आजू बाजू कोई होटल वोटल नहीं है क्या? हाँ है ना, ऊपर एक होटल है,
लेकिन वहाँ पर सिर्फ शादी शुदा लोगों को ही कमरा मिलता है। शादी शुदा अरे सुनिए क्या है। इस बारिश में तुम्हें इस तरह थर थर कांपते हुए देखकर भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर कहीं बीमार पड़ गई, अरे भाई तो तुम्हारे माँ बाप को क्या बोलूंगा मैं? कुछ भी जवाब दे दो, बोलने की जरूरत ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। अरे क्या बात कर रही, गंगा के होते हुए जमुना का कोई भी नहीं? ची, ची। लग गई ना सर्दी, इसीलिए कहता हूं जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इस बारिश से बचने का एक ही तरीका है। क्या? सुनो क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई ऐसा ही हो सकता है, अगर हमने ये नाटक नहीं किया तो रात भर ऐसे ही भीगना पड़ेगा, सोच लो। ठीक है। आओ, सर्दी बहुत है, मैं आग जलाता हूं, तब तक तुम आराम करो। ये तुम्हारा सॉलिड कमरा है? अरे ना आईना है, ना फर्नीचर है, ना सोफा, ये कोई कमरा है क्या? अरे तुमको सोफा सेट और आईने से क्या लेना देना है? तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा, हनीमून लॉज? ये खटिया है, इस पर सो जाना। अब मैं जाता हूँ, अब तुम आराम से सो जाना। ये हम दो और खटिया एक, सोएंगे कैसे? हाँ उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम उधर खटिया पर सो जाओ, मैं ये इधर, ये मैं नीचे सो जाता हूँ। ना बाबा ना, हमारे कबीले का तो रिवाज है कि मर्द खटिया पर और औरत जमीन पर सोती है। अरे रे रे, नीचे सोएगी तो सुबह तक तेरी कुल्फी बन जाएगी। ना ना ना, ना मुझे आदत है नीचे सोने की, मैं पलंग के नीचे सो जाती हूँ। पलंग के नीचे? हाँ ये भी ठीक है, चल सो जा। हाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलो सो जा। अरे ये क्या मुंह लगा रखा है? जी मैं अंदर नहीं जा सकती। अंदर नहीं जा सकती? समझ गया, अभी ठीक करता हूँ इसको। चल गुजा अंदर। हाँ। संभाल। घुस गया। बेशरम, अरे नौजवान लड़की की छेड़छाड़ करता है, अबे तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? इडियट कहीं का। देखो इसका कोई भरोसा नहीं है, रात बहुत हो चुकी है और मैं रात भर इसकी पकड़ा पकड़ी नहीं कर सकता हूं। इसके लिए तो मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया आ गया। Oh,
ये क्या? वैसे तो ये नहाने का टब है, लेकिन इस समय ये चूहे से बचने का पिंजरा। अब आना बेटा, देखता हूं। ये अरे वो तो चूहा था, मैंने तो बड़े बड़े पहलवानों को चूहा बना दिया। न जाने रास्ता कब खुलेगा, मुझे डर है कहीं भीमा ना आ जाए। गंगा, गंगा यही है वो मुआ कमीना भीमा जो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। देख भाई, जबरदस्ती अच्छी नहीं है, बिना परमिट के यहाँ से कोई कुछ नहीं जा सकता। परमिट देखना है ना? अरे भाई, ये तो लोकल परमिट हुआ, अब मैं आपको ऑल इंडिया परमिट दिखाता हूं। इसीलिए तो हम ट्रक वाले अपनी ट्रक के पीछे लिखवाते हैं। क्या लिखा है? फिर मिलेंगे। गंगा, गंगा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जाने दे, चल आजा। वो लंबा सा सांवला खूबसूरत जवान होगा। क्या देख रही? अपना भविष्य। अरे ठीक ही तो कह रही है कुड़ी कि तू ही तो इसका भविष्य है। अरे गंगा और जमुना का मिलन तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। अरे सोचता क्या है, पकड़ कुड़ी का हाथ, हो जाए भांगड़ा। भांगड़ा और डिस्को भी। डिस्को? हाँ हाँ डिस्को। इन कपड़ों में? एक मिनट। अरे चलो भाई, चलो डांस करें डिस्को। चलो इसमें रास्ता खुलने वाले, चलो। चलो निकालो गाड़ी, निकालो। शाबाश। अरे हाँ बोलो, कहाँ छोड़ना है तुमको? जी यही नजदीक में, कतरा। हाँ? कतरा। मैं भी यही पास में, इधर ये कतरा के पास ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा
आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में? अरे मेरे घर में माँ है और 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 मैं। अरे इसका मतलब ये उस्ताद कि तुम शादीशुदा हो के नहीं? अरे नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं हो भाई, शादीशुदा है, अभी तो किसी के साथ इश्क भी नहीं हुआ। तो किस तरह की लड़की से इश्क होगा? किस तरह की लड़की से इश्क होगा भाई? लड़की ऐसी हो जिसका रंग गोरा हो। ऐसे? हाँ ऐसे, और जिसका कद कोई 5 फुट 5 इंच। ऐसे? हाँ ऐसे ऐसे, और जिसकी आंखें ऐसी। हाँ हाँ ऐसे ऐसे, और बाल लंबे मुलायम रेशम जैसे हों, और ऐसे। हाँ आच्छ! अरे क्या रे उस्ताद? हाँ। अगर सारी बातें इसी में है तो इसी से क्यों नहीं पूछ लेते? सुनिए जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। नहीं पूछिए ना। नहीं नहीं नहीं, बस जाने दीजिए। पूछिए तो सही। ना, ना, ना। अरे पूछिए। अरे ना। ना। पहले माँ से तो पूछ लें। तो बंसी, तू डॉक्टर से यही इलाज करवा ले, मैं ट्रक खाली करवा के तेरे को इधर ही मिलता हूँ। जमुना, मौसी। क्यूरी, बहुत दिनों के बाद मौसी की याद आई। हाँ, लेकिन वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओहो, अरे आज शाम को तो शंकर कवाल का प्रोग्राम है, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मैं और मेरी सहेलियाँ इनकी कवाली सुनने जाने वाली है, आप भी हमारे साथ आइए ना। गंगा भैया, छोटे ठाकुर और उसके आदमी ने सारी ट्रक रोक रखी है और एक ट्रक गुजरने का 500 रुपए मांगते हैं। छोटे ठाकुर? हाँ। अबे बाप का राज समझ रखा है क्या? दो हाथ मारने का था साले को, सारी गुंडागर्दी नाक के रास्ते निकल आती। सुनिए। हाँ। आप जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। इन लोगों ने सारे ट्रक रोक दिए। क्यों भाई? ये लॉरियां रोक कर टैक्स इस बात कर लिया जा रहा है जबकि ये जमीन हमारी है। लेकिन इस पर कब्जा हमारा है। कब्जा? ये कब्जा वब्जा क्या होता है बे? कब्जा तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने भी मक्कारी से किया था। क्या हुआ उनका? भाग गया ना बुढ़िया बिस्तर बांध करके। तुझे और तेरे बाप को भी यहां से ऐसा भगाऊंगा साले, पीछे पलट के भी नहीं देखेगा। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अगर इस वक्त यहाँ से जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, वरना जाओ सरकारी पुल से। जिसे तुमने तुड़वाया है? अगर हमने तुड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। दूसरा बने या ना बने ये जरूर टूटेगा। चलो ट्रक ले जा।
हंस मामा को कोरे कागज पर अंगूठे लगवाने की बहुत आदत है ना? ले आज मैं तेरे चेहरे पर अपने जूते की मोहर लगाकर तुझे भेज रहा हूँ, जाकर अपने बाप को दिखा देना। हमने तुम्हें एक मामूली कांस्टेबल से इस इलाके का इंस्पेक्टर बनवाया जी, इसलिए कि ये दो कौड़ी का कव्वाल इस तरह से हमारी बेइज्जती करके चला जाए। ठाकुर साहब, मैं इस कव्वाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद ये गाना गाना ही भूल जाएगा। शंकर कव्वाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। गिरफ्तारी का? किस जुर्म में? हमें खबर मिली है कि तुम जासूस हो। जासूस? और मैं? भाइयों, क्या मैं आप लोगों को जासूस लगता हूं? फिर आप मुझे कैसे जासूस बोल रहे हैं? पूछिए इनसे। अबे अबे ये जी बोला किधर आ रहा है, किधर आ रहा है? अबे सामान, अबे ओ, अबे साले पीके चला रहा है क्या? भाग, अरे भाग। अरे अरे तुम शंकर कव्वाल हो रहे? हाँ। ये गोली कैसे लगी? पुलिस मेरे पीछे लगी है उसी ने, लेकिन मैं बेकसूर। हाँ तुम घबराओ नहीं, आ जाओ। अरे माँ। आई बेटे। अरे देख शंकर कव्वाल आया है। आजा बेटे। माँ, क्या हुआ बेटे? अरे ये तो जख्मी कैसे हुआ? मैंने ठाकुर हंसराज की यहाँ कव्वाली गाने से इनकार किया तो उसने जासूसी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरे पीछे पुलिस लगा दी। बेटे जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। डॉक्टरों की तो हड़ताल है माँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर गोली नहीं निकाली तो सारा जहर जिस्म में फैल जाएगा। ये लो, निकाल दो गोली। गोली तो मैं निकाल दूंगा लेकिन दर्द बहुत होगा, सह सकोगे?
आजमा के देख लो। माँ तुम जरा मरम पट्टी और गर्म पानी लेके आओ। जिगरा है तेरा? बस अब तो जिगर ही रह गया। दिल के टुकड़े तो उसी गांव में छोड़ के जा रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, बड़े आशिक मिजाजी की बात की है तूने। अच्छा भाई ये शिवगढ़ कितनी दूर है यहां से? बस यही पास में है मेरे दोस्त। तेरा ये जख्म भर जाए मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। नहीं इतने मैं यहां रुक नहीं सकता, पिताजी परेशान होंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा भाई। ठीक है ले बेटे ये हल्दी का दूध पी ले, ताकत आ जाएगी। जा बेटे, भगवान तुझे सही सलामत पहुंचाए। माँ जी हमेशा याद रखूंगा कि मेरी जिंदगी आप लोगों का कर्ज है। मैंने कितनी कोशिश की वक्त पर पहुंचने की मगर नहीं। मेरी तकदीर में रूबरू आपकी कवाली सुननी थी नहीं, बस ये कैसे सुन लेता हूं ये देखिए। अरे इसमें अफसोस क्यों करता है भाई, आपकी शादी में आकर खुद गा दूंगा। तब तो भैया बहुत जल्दी आपको गाना पड़ेगा। क्यों, कोई लड़की पसंद कर ली क्या? हाँ कल ही किसी से दिल लग गया। अपना दिल तो आज ही लग गया। अच्छा क्या दाद दे रही थी, लेकिन अगली मुलाकात कब होगी ऊपर वाला ही जाने। अरे इतनी जरा सी बात के लिए आप ऊपर वाले को क्यों याद कर रहे हैं? अपने इस दोस्त को नाम पता बता दीजिए, ढूंढ के निकाल दूंगा। हाँ यही तो रोना है, नाम और पता पूछने का मौका ही नहीं मिला। अरे दादी अरे बस बस आके रास्ता बंद है भाई, बस बस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं इधर करीबी रहता हूँ चला जाऊंगा। अरे अरे ठहरिए 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 ठहरिए, आप क्या इधर ही? हाँ हाँ आप नहीं, आज से तू। अच्छा तू क्या इधर ही रहता क्या? हाँ मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा ये जो मैकाना है ना, इधर अपना अक्सर आना जाना होता है। अच्छा लेकिन तेरे को पहले कभी नहीं देखा। ए, तू क्या इधर लगाता क्या? कभी कभी। अरे तो फिर आज हो जाना दोस्ती के नाम पर अभी अभी। अरे नहीं नहीं अरे, अरे चल नहीं, अभी नहीं। अरे चल Oh, 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 oh
जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है, और हे देवी तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनका तुम अवश्य कल्याण। पंडित अपने बेटे शंकर को कहां छुपा रखा है? छुपा रखा है? हाँ, वो पुलिस से फरार हो गया है। लेकिन उसका गुनाह क्या है? वो सरहदी इलाकों के फौजी राज विदेशों में बेचता है। आप कैसी बातें करते हैं दरोगा जी, मेरा बेटा तो मशहूर गायक है जो कव्वाली भजन और गजल गाकर किसी तरह अपनी रोजी कमाता है। हाँ, और उसी की आड़ लेकर आते जाते स्मगलिंग करता है। नहीं नहीं दरोगा जी, मैं देवी माँ की कसम खाकर कहता हूँ मेरा बेटा कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं पुटे? बता कहाँ है वो? बता नहीं तो ये मैं अभी बलि चढ़ा दूंगा तुझे। छोड़ दो इन्हें। मंदिर में हाथ जोड़े जाते हैं, हाथ उठाया नहीं जाता। इंस्पेक्टर, कानून की आड़ में किसी बूढ़े को धमकी देना बहादुरी नहीं बुज़दिली है। गिरफ्तार कर लो इसे। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये नाइंसाफी। पिताजी, किसी रिश्वतखोर ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। ये मुझे किसी जुर्म में नहीं बल्कि ठाकुर हंसराज के दरबार में ना गाने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। बेटा, 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 बेटा। पीछे हट बुढ़े। दो साल ये अंदर रहेगा ना, गाना तो क्या बोलती बंद हो जाएगी इसकी। चलो। बसुबू जुर्म दफा 121 अलिफ ताजी राते हिंद मुल्जिम शंकर कव्वाल को 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। छूटने के बाद ये शंकर शंकर भगवान के गले का नाक बनकर तुझसे मिलने आएगा। अबे ओ बेवकूफो, आज नाग पंचमी है। अरे नाग देवता की पूजा की जाती है, दूध पिलाया जाता है, आग में जलाया नहीं जाता, समझे? ओ बंसी। हाँ उस्ताद। अरे दूध लाना रे। हाँ अभी लाया लाया। जमुना, 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 जमुना,
जमना, तुम ये गीले कपड़े उतार लो, ये लो, इसे ओढ़ लेना, मैं आग जलाता हूँ। जमना सोना नहीं जमना जमना भगवान के लिए सोना नहीं जमना 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 सर्दी की नींद मौत की नींद होती है जमना 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 जागो जमना जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। जमुना को कभी बदनाम होने नहीं देगा। जब तन से तन मिले हैं तो मन से मन और आत्मा से आत्मा भी मिलेंगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए अगर मैंने धर्म के उसूलों को तोड़ा है तो जान बचाने के बाद भी उन उसूलों का पालन मैं ही करूंगा। हां जमुना, जमुना की मांग का सिंदूर गंगा के हाथों से ही भरा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने मेरे बेटे को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया है और खुद यहां छिपा बैठा है। छिपते बुजदिल और कायर होंगे हम नहीं, समझे? तुम्हारे बेटे को तो सिर्फ अस्पताल पहुंचाया है कंस मामा। उसकी जगह कहीं तुम होते ना तो तुम्हारी बत्तीसी हाथ में देकर शमशान घाट पहुंचा देता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना, इसे हथकड़ी लगा के जीप में डाल दो। नहीं, नहीं।
इंस्पेक्टर साहब, एक दरख्वास्त थी आपसे। इस लड़की से किया हुआ वादा मुझे निभा लेने दीजिए। मुझे आज इसी वक्त मंदिर में इस लड़की से शादी कर लेने दीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ, ससुराल ही तो ले जाने आए हैं तुम्हें, क्यों? बिल्कुल ठाकुर साहब, उसके बाद शादी के मंत्र अदालत में पढ़े जाएंगे। ले चलो इसे, ले जाओ। सबूत के गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम गंगा प्रसाद ने कानून को अपने हाथों में लेकर शक्ति सिंह को बुरी तरह जख्मी किया, लिहाजा अदालत बसबूत जुर्म दफा 326 तादीराते हिंद मुल्जिम गंगा प्रसाद को 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। चलो हट। कंस मामा, यूं समझ मुझे 2 साल की सजा नहीं, तुझे 2 साल की जिंदगी और मिल गई। जेल से छूटने के बाद अगर तुझे नरक के दरवाजे तक नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी गंगा नहीं है। मैं आज ही माजी के साथ डॉक्टर के यहां गई थी। वो कहते हैं कि पूरे दिन हो गए, आज कल में कभी भी हो सकता है। कितना बदनसीब हूं मैं, जब मेरी औलाद पैदा होगी तो मैं उसे देख भी नहीं सकूंगा। मैं नाम रखकर उसे यहां तुमसे मिलने जरूर नहीं, लेकर नहीं 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 जमना, मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को इन दीवारों का सहारा पड़े। चलिए टाइम हो गया, अपना ख्याल रखना जमना। से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। मुझे नहीं लगता मैं वहां तक पहुंच सकूंगी। सामने एक गांव आ रहा है, वहां गाड़ी रोकता हूं। मिलके बोलो जय माता की, शांत से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। धीरज रखू, मैं गांव से किसी डॉक्टर को ले आता हूँ। मिलके बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। मौसी। अरे रूपा, ये तो अपनी जमना है। मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो मौसी। चल चल के मदद करते हैं। ठहरो, कोई इसकी मदद के लिए नहीं जाएगा। ये कबीले से बाहर जा चुकी है। दस्तूर के मुताबिक इसे सजा मिलनी चाहिए। उठाओ पत्थर, मारो इसे, मारो।
रुक जाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये गर्भवती औरत को इस तरह पत्थर से मारते हुए? अगर किसी ने एक पत्थर और भी मारा तो तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। चलो भाइयों। जीती रहो बेटी, माँ तुम्हारी रक्षा करे। आओ बहन। मुबारक हो, बेटा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ना होती तो मैं और मुन्ना दोनों इस दुनिया से ही। इस शुभ घड़ी में ऐसे अशुभ बात मत करो बहन। दुनिया ठीक ही कहती है बहन, जन्म देने वाली को मां और जन्म करवाने वाली को दाई मां, दोनों ही माएं होती हैं। आज से आपका इस बच्चे पर उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। आपका नाम सरस्वती। मुझे जमुना कहते हैं। चलिए मैं आपको घर छुड़ाती हूं, आइए। शक्ति बेटे, जमीन के कागजात पर अंगूठे लगे या नहीं? नहीं पिताजी, बड़े ढीठ है ये किसान, भूखे मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। सरकार, इन कागजात पर अंगूठा लगाने का मतलब अपने दोनों हाथ काट लेना है। और अंगूठा ना लगाने का मतलब होगा अपना सर कटवाना। नहीं मालिक, अंगूठे तो लगते रहेंगे ठाकुर साहब। कल गंगा रिहा होकर आ रहा है, कहीं वो यहां आकर मौत की मोहर ना लगा दे। गंगा, मौत की मोहर। गंगा, समझ गया मालिक, बंदूक को बलि मिल गई, गोली से नहीं बारूद से। गंगा,
शंकर बेटे। बाबा बाबा ये नदी में बह रही थी, मैंने इसे बचा लिया। लेकिन बेटे ये है कौन? बाबा ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। सोचा था जेल से निकलती इसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मौका नहीं मिला। आप ठीक तो है ना? सुनिए, आपकी भांजी हमारे यहाँ है, आप उसका नाम पता बता सकती हैं? उसको तुम अब मैं उसका नाम पता ठिकाना किससे पूछूं? शंकर, ओ शंकर। जी कौन? मैं इंस्पेक्टर गोगा। वो जब से जेल से छूटा है पुलिस में हाजिरी देने क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? जी इस वक्त वो घर में नहीं है, बाहर गए हैं। और कौन कौन घर में है? घर में कोई भी नहीं है। दरवाजा खोल। जी नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। मैंने भी कह दिया ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम खोले देते हैं। दरवाजा खोल। नहीं खोल तो तोड़ दूंगा। Thank you.
आप ठीक हैं? चोट तो नहीं लगी आपको? जी नहीं, मैं ठीक हूं। सारा घर जल रहा है, सारा घर जल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और इस घर को जलने से बचा लिया। लेकिन अपने संसार को डूबने से नहीं बचा सका। बच्चा, ये बच्चा किसका है? मेरा। इस बच्चे का भी क्या नसीब है, जब मां के पास था तो बाप से दूर रहना पड़ा, जब बाप करीब आया तो मां से दूर हो गया। ओ ना बेटे, मत रो बेटे, मत। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। लगता है आपके दामन को इसने अपनी मां का आंचल समझ लिया। सुनिए, बच्चे का बुखार बढ़ने से पहले आप इसे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। मगर आपको इस आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, इसे आप ले जाइए। अच्छा, नमस्ते। हे भगवान, तूने मेरी याददाश्त तो छीन ली, लेकिन इस बच्चे से इसकी मां मत छीन। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिला देना, जरूर मिला देना इसकी मां से। यह कैसे लगी? इंस्पेक्टर गोगा, आपको पूछता हुआ यहां आया था, लेकिन मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब वो नाकाम रहा तो इस घर को जलाकर चला गया, न जाने क्या हो जाता। एक भले आदमी ने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो उस कमीने की ये जुर्रत, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोगा! शंकर, कमीने, तूने मेरे घर आए मेहमान की सब लूट ली चाहिए। क्या कर रहे शंकर? क्या कर रहे हैं शंकर? इज्जत ना लूट सका तो उसे जिंदा चलाने की कोशिश की, ताकि कोई सबूत ना रहे। मुझे माफ कर दे शंकर। तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना लगे। छोड़ तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट। ये क्या हो रहा है?
सर इसने एक पुलिस अफसर पे हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है सर। तू अपने आप को ऑफिसर कहता है? थूक लाना था तुझ जैसे वर्दी वालों पर। तुम ठीक कह रहे हो, गोगा ने इस वर्दी की बेइज्जती की है, ये इस वर्दी का हकदार ही नहीं सर। है मैं सब कुछ सुन चुका हूं, इससे पहले भी तुम्हारी कई शिकायतें हो चुकी है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। माफी मांगकर तुमने सबूत दे दिया है। यू आर सस्पेंडेड टिल फर्दर इंक्वायरीज। गेट आउट। छोड़ दो इसे। सरदार, ठाकुर साहब ने कहा है गंगा की मां को खत्म कर दो। रंगा, ये मोजरा छोड़ के कहां जा रहे हो? गंगा को तो खत्म कर दिया ठाकुर हंसराज के हुक्म से। क्या? आप सिर्फ एक बुढ़िया बाकी है, उसको भी खत्म करने का हुक्म आ गया। सरदार पुलिस! अरे पीछे आओ, अरे पीछे आओ, खिड़की बंद कर दे, चल। गंगा, सरस्वती, जल्दी ऊपर आ जाओ। सुनो, रंगा जो अभी यहां से भागा है, कह रहा था कि माँ जी को खत्म करने जा रहा है। क्या? हाँ, तुम जल्दी जाकर माँ जी को बचाओ, मैं मुन्ना को संभालती हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ देंगे या नहीं, कुएं में। मेरी मां पे हाथ उठाता है। मां गंगा, अचानक
रंगा! गंगा का बेटा यही कहीं होगा, ढूंढो उसे और खत्म कर दो। जी मालिक। अगर तू गंगा के बेटे की जान बचाना चाहती है तो बस एक बार, समझ गए ना? काट दूंगा साले की गर्दन। नहीं, नहीं, नहीं। तुम जो चाहो कर ले मेरे साथ, लेकिन इस बच्चे की जान मत लेना। बचा ले। इस बच्चे की जान मत लेना। क्या हुआ छोटा ठाकुर? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सांप ने काटा, मेरी आंखें चली गई। मालकिन, कुछ औरतें आई हैं जो हर साल की तरह अपने सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा करना चाहती हैं। करने दो। जी। गंगा, गंगा। कौन? सरस्वती। सरस्वती? हाँ जी।
सरस्वती तुम? हाँ माँ जी। माँ जी, ये आपकी अमानत है, इसे निमोनिया हो गया है, डॉक्टर ने ये दवा दी है। चंपा जी। मालकिन, इसे अंदर ले जा। जी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, आएंगे तो कह दीजिएगा। कैसे कहूँ बेटी, अब तो वो मेरी बात भी नहीं सुन सकता। क्या मतलब? अंदर आ, आकर देख, देख। गंगा, माँ जी, ये सब क्या हो गया? किसी जालिम ने इसके सीने पे गोली चला दी और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। समझ में नहीं आता मैं अपने बेटे की जिंदगी कैसे बचाऊं। तकदीर भी कैसा मजाक उड़ाती है। आज सुहागने पूजा करके अपने पति के लिए लंबी जिंदगी मांगती है, लेकिन मेरे बेटे के लिए जो जिंदगी मांग सके वो तो रही नहीं। बेटी, इस दुखियारी मां पर एक एहसान करोगी? आप हुक्म कीजिए माँ जी, अगर मेरी जान जाने से गंगा की जान बच सकती है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। जान देने की बात मत कर बेटी, बल्कि मेरे बेटे की जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर। सिर्फ सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बहू बन जा। जमुना बन जा बेटी। हाँ कह दे बेटी, वट सावित्री का व्रत करके मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले, अब यही एक आखिरी उम्मीद है बेटी। लेकिन मैं कैसे? मैं अपने हाथों से तेरा श्रृंगार करूंगी। हाँ बेटी, आ आ। माँ, तू जानती है मैं कौन हूं। मैंने तेरा व्रत रखा है, मुझे क्षमा करना। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो उसके सौ गुना सजा देना। लेकिन आज के दिन मेरी प्रार्थना में उस सती का सत्ता जाए। इतनी दया करना माँ, इतनी दया करना। भगवान ने तेरी सुन ली, देख मेरे बेटे को होश आ गया, मेरे गंगा को होश आ गया। माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। गंगा माँ, किशन सरस्वती सरस्वती के पास है। किशन घर आ गया है बेटे, लगता है सरस्वती ने अपनी जान पर खेलकर उसे यहां तक पहुंचाया है। तो फिक्र मत कर बेटे, आज सरस्वती की प्रार्थना से तुझे दोबारा जिंदगी मिली है, वरना मौत तो दरवाजे तक आ पहुंची थी।
सरस्वती बेटी, तो तू कहां जा रही है? मां जी, आपने सरस्वती को एक दिन के लिए जमुना का किरदार दिया था, वो तो मैंने निभा दिया, अब मेरा यहां क्या काम? जमुना के वापस लौटने की तो कोई आशा रही नहीं, राम जी की लीला तो राम ही जाने। हो सकता है बेटी, गंगा के बच्चे ने तेरे हाथों जन्म इसीलिए लिया था कि एक दिन तू उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके, जैसे यशोदा ने किशन को किया था। इसे अपना घर समझ बेटी। मैं यहां कैसे रह सकती हूं माँ जी? मैं तो एक तवाइफ हूं, दुनिया कीचड़ उछालेंगे आप पर। सरस्वती बिल्कुल ठीक कह रही है, क्यों बाजारी फूल से अपना आंगन सजाना चाहती हो ठकुरायन? एक कोठे के फूल कोठे पे सज के कोठे पे ही मुरझा जाते हैं। चल सरस्वती, आज मैं तेरी नथ उतारने का सौदा पक्का करके आया। नहीं, मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। नहीं बेचेगी? चल। कैसे नहीं बेचेगी? चल। मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तेरे जिंदगी पर मेरा हक है, तू चल नहीं तो तेरे टुकड़े। सरस्वती ने गंगा की दहलीज पे कदम रखा है, अब उसे यहां से दुनिया की कोई भी ताकत बाहर नहीं ले जा सकती। सोच ले गंगा, ये एक तवायफ है, इसके लिए क्यों अपना सर उठाता है? कल तक थी, आज नहीं। तो तुम इसे अपनी रखेल बना के रखोगे? क्यों, सोच में पड़ गए ना गंगा? तवायफ का मुकद्दर कोठे से शुरू होकर कोठे ही पे खत्म होता है, समझे? चल चल। जब मां ने इसे बहू मान लिया है, भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो इनकार करने वाला तू कौन, मैं कौन और ये समाज कौन? अब इससे पहले कि मेरी दूसरी गोली तुम्हारे सीने को छलनी कर दे, चला जाए यहां से। जाता हूं गंगा, जाता हूं, बच के रहना, मेरा नाम जग्गा है। आप मेरे लिए क्यों इतनी मुसीबत उठा रहे हैं? सरस्वती, तुम्हारे इस घर पे बहुत सारे एहसान हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। सुना था अहिल्या का उद्धार राम जी के हाथों हुआ था, आप मेरे लिए राम जी बनकर आए हैं। नहीं सरस्वती, ऐसा मत कहो, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, तुम्हें अपने दिल में जमुना की जगह तो नहीं दे सकता, मगर इस घर में तुम्हें उतना ही मान सम्मान मिलेगा जितना जमुना को मिलता। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपके पैरों की धूल मिल जाए। पैरों की धूल या बाजार का सिंदूर नहीं सरस्वती, मेरे शरीर का खून तुम्हारी मांग का सिंदूर बनेगा। बेटी तू भी पूजा करना। जी
मैं तो हाँ पति होगा तो पूजा करेगी ना। तो क्या ये पंडित की बहू नहीं है? अरे पंडित तो सारे गांव की शादियां करवाता है, लेकिन अपने घर में जवान लड़के के होते हुए कुंवारी लड़की को ला के रखा। छी राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। छी क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जा रही हो क्यों? क्या हमारे कारण कोई तकलीफ हुई? नहीं नहीं बाबूजी, आपके कारण मुझे नहीं, लेकिन मेरे कारण आपको तकलीफ जरूर पहुंच सकती है। मेरे कारण आपके दामन पर बदनामी के छींटे पड़ने लगे हैं। हाँ बाबूजी, लोगों ने अभी न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। बेटी अब दुनिया के ताने सुनकर अगर तुम इस तरह भागती फिरोगी तो संसार छोड़कर भी ये ताने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आप ही बताइए बाबूजी मैं क्या करूं? बेटी अगर इन तानों से बचना चाहती हो तो मेरे बेटे शंकर से शादी कर लो। हाँ, और इस घर की बहू बन जाओ। हाँ बेटी, मैं कैसे हाँ कह दूं बाबूजी? मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती कि मैं कौन हूं क्या हूं, सब कुछ भूल चुकी हूं। कौन जाने मेरे गुजरे हुए कल के कागज पर क्या लिखा है। सुनिए, यूं समझ लो तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारी याददाश्त के साथ गंगा की लहरों में हमेशा के लिए बह गया, इसलिए तुम गुजरे हुए कल को भूल जाओ। आने वाले कल का सामना मैं करूंगा। तुम्हारे घर वालों का कुछ पता नहीं चला बेटी, मेरी मान बेटी हाँ कह दे। ठीक है बाबूजी, जैसे आप मुनासिब समझें। बेटी अगले महीने अच्छा मुहूर्त निकलवा कर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन शहर की हालत नाजुक है, हम धूमधाम से शादी नहीं करेंगे, किसी मंदिर में शादी करेंगे। पिताजी आप किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं अपने दोस्त गंगा को जरूर बुलाऊंगा। धोखेबाज, साले दगाबाज, क्या सूरत लेकर आया तू मेरे सामने? अब मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, भाई समझा था, मेरे ही घर में आग लगा दी तूने। गंगा तू होश में तो है, जानता क्या कह रहा है? तूने मेरी मोहब्बत पर डाका मारा है, मेरी महबूबा को छीना है तूने मुझसे। गंगा क्या क्या बोल रहा है तू? मैं और तेरी महबूबा कुछ नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। दोस्ती के नाम पे धब्बा है तू। अरे तुझ जैसा कमीना तो मैंने आज तक नहीं देखा।
दोस्त तो क्या तू दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है, समझा? जीत जाता तेरा गला घोट तुम। बस गंगा बस, हाथ मैं भी उठा सकता हूं, मजबूर सिर्फ इसलिए हूं कि मेरी जिंदगी पर तेरे एहसानों का कर्ज है। तो आज मैं वो कर्ज वसूल करता हूं सूद समेत, तेरे जिस्म से एक एक कतरा खून बहाकर। ये बात है तो चला गोली, और देख एक दोस्त दोस्ती के नाम पर कैसे कुर्बान होता है। चला बाय बाय। अरे बगले, सच समझ बैठा था क्या? अरे तो नाटक है यार, नाटक। नाटक? हाँ, हर साल हम ट्रक वाले यहाँ पर नाटक का प्रोग्राम करते हैं। ये तो मैं रिहर्सल कर रहा था, बीच में तू आ गया, मैं तेरे पे चालू हो गया। अरे गोपाल, देखा तूने? देखा कैसे शंकर बौखला गया था? अब ऐसे ही एक्टिंग करना मेरे बाप, नहीं तो मरवा देगा तू। बिल्कुल ऐसे करूंगा। अच्छा, अरे मेरे दोस्त, इतना बड़ा इल्जाम लगाकर तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक बात याद रखना, जान दे दूंगा लेकिन दोस्ती पर दाग नहीं आने दूंगा। जानता हूं मेरे दोस्त, जानता हूं। ये बता, यहां कैसे आना हुआ? मैं तुझे अपनी शादी की दावत देने आया हूं। ओ, अगले महीने की 9 तारीख को शेरावाली मां के मंदिर में शादी कर रहा हूं। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो मेरे दोस्त। लेकिन तुझसे एक शिकायत है। क्या? तू अपनी शादी में मुझे बुलाना भूल ही गया? भूला नहीं यार, मेरी शादी किस संजोग से हुई है ये तुझे क्या बताऊं। खैर, प्रभु की परम कृपा और आशीर्वाद के साथ मेरे सुपुत्र चिरंजीव शंकर का शुभ विवाह 9 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है। अरे ये बता, तू उसी लड़की से शादी करने जा रहा ना जिसके बारे में तूने जिक्र किया था? हाँ, लेकिन उसका नाम क्या यार, इस कार्ड में तो लिखा नहीं तूने। अब मैं तुझे क्या बताऊं, उसका नाम मैं अभी तक नहीं जानता। क्या बात कर रहा है, कमाल है यार। बस ये भी एक संजोग की बात है। अच्छा तू बता, उसका नाम मैं क्या रखूं? मेरी दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। जाओ बेटे, कर्फ्यू लगने से पहले ही मंदिर पहुंच जाओ, तुम्हारे पिताजी वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। सुना था बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में सारी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने चाहा वो एक दिन मुझे मिल जाएगी, मेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए।
मुन्ना? हाँ हाँ मुन्ना, मेरा बेटा मुन्ना, मेरा बेटा मुन्ना। तुम्हारा बेटा? हम ट्रक में आ रहे थे, अचानक अचानक एक धमाका हुआ, मुन्ना और मैं पानी में बह गए, और गंगा गंगा ट्रक के नीचे फंस गया था। गंगा गंगा? हाँ, गंगा ट्रांसपोर्ट का मालिक। जेल से छूटने के बाद यमुना, मैं और हमारा मुन्ना गाड़ी में वापस आ रहे थे कि अचानक एक धमाका हुआ। इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अच्छा हुआ, और सही वक्त पर याद भी आ गया, वरना मैं अपने दोस्त गंगा को क्या मुंह दिखाता। अनजाने में मुझसे वो गलती हो जाती जिसके बाद मौत भी उसका प्रायश्चित नहीं कर पाती। क्या आप गंगा को जानते हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मुन्ना और गंगा के पास ले चलता हूं। आओ। जाओ जमुना, अब गंगा का मिलन जमुना से होगा। गंगा तुम्हें शेरावाली मां के मंदिर पे मिलेगा। मेरे दोस्त को कहना उसकी खुशियां कुछ दिनों के लिए मेरे घर में आई थी मेहमान बनकर, मैं उसे लौटा रहा हूं। नहीं, नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं उसे रोकता हूं। जाओ, नहीं। जाओ जमुना, जाओ। जाओ जमुना, पीछे मुड़कर मत देखना। टिकट प्लीज जी, टिकट।
मेरे पास टिकट तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे तो बगैर टिकट गाड़ी में सफर करेंगी आप? देखिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अपने गांव पहुँचते ही आपको आके पैसे लौटा दूंगी, मुझे जाने दीजिए। देखिए, ये रेलवे डिपार्टमेंट है, कोई बनिए की दुकान नहीं। आप बगैर टिकट सफर नहीं कर सकती, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे ये सोने के कंगन आप रख लीजिए, पैसे तो नहीं है, इसी से काम चला लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। ये सुहाग के कंगन नहीं उतारते बेटी, अब सुकन होता है। ले मुआ, ये तेरा टिकट के पैसे। आओ बेटी, आ जा बेटी। शुक्रिया, आ जा। बहुत बहुत शुक्रिया। कनवा, क्यों क्या बैठा है? जरा सुर तो लगा गाने का। हम पीपी का हमार गला बैठ गवा है, हम ना ही गा सकत, ऐसा कर तू ही गा ले। अरे चालीस साल पहला कहता तो गाती और ठुमका भी लगाती। अरे माँ जी, अगर कोई गाएगा नहीं तो सफर कैसे कटेगा? ठीक तो कह रहा। माँ जी, अगर आप कहे तो मैं गा लेती हूँ। अरे बड़ी खुशी की बात है, ये बेटी तुम लोग सब इसका साथ दो। चल रूपा। याद है ना? हाँ हाँ याद है। अरे बेटी, क्या कर रही थी? गाड़ी के नीचे आ जाती तो। बाबूजी, जिनके लिए मैं वो गीत गा रही थी ना, वो यही अगले डब्बे में है। माँ जी, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है। घबरा मत बेटी, अगले स्टेशन पे मिल जाएगी। अगला स्टेशन कब आएगा? बस 15-20 मिनट के बाद। 15-20 मिनट? अब तो एक पल भी नहीं रह जाता उन्हें देखे बिना। अगर इतनी ही बेताबी है तो यहाँ आकर इस जाली से देख लो ना। खूबसूरत मंगलसूत्र है बेटी, कहां से बनवाया? पता नहीं, मेरी सास ने दी है। तेरी आंखों में आंसू? अरे मौसी, इतना भी नहीं जानती, मंजिल करीब देखकर किसी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं, है ना? नहीं, कुछ बदनसीब मुसाफिर ऐसे भी होते हैं जिनकी मंजिल तो सामने होती है लेकिन रास्ता ही खत्म हो जाता है।
मैं पुजारी से पूछ के आता हूं। जी। पुजारी जी, आज यहां एक शादी होने वाली थी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए। बच्चे, हमें भी उन्हीं का इंतजार है। ये लो चरणामत। बेहोशी की दवाई दी है। ठाकुर, यहां के पुजारी की बलि तो हमने चढ़ा दी है। चाहते तो इसकी भी चढ़ा सकते थे, लेकिन हमने भीमा से वादा किया था। भीमा, तुम्हारा शिकार। शिकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। मुझे से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। इसे ठीक उसी तरह मारना जैसे हमने इसके बाप को मारा था, ताकि ये बड़े आराम से अपने बाप के पास पहुंच जाए। ले जाओ इसे, ले जाओ। तेरी वजह से सांप ने मेरे बेटे को काटा और उसकी दोनों आंखें चली गईं। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज तू गंगा की बीवी, उसकी इज्जत सरे बाजार नाचेगी। चल। गांव वालों, ये गंगा की पत्नी आज फिर से तवायफ बनकर हम सबका दिल बहलाने के लिए गाएगी और नाचेगी, और उसके बाद इसका वस्त्र हरण होगा जैसे महाभारत में हुआ था। नहीं, नहीं। चल नाच। सरस्वती, सरस्वती, मेरी बेटी सरस्वती, अपने आप को सूर्यवंशी कहलाने वाले ठाकुर, तेरी रगों में खून है यह जहर। जहर? अगर इसने नाचने से इंकार किया तो यही जहर मैं गंगा के बेटे के हलक के नीचे उतार दूंगा। ऊपर देख। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। नहीं सरस्वती, ले जाओ इसे और नाचने के लिए तैयार करो। ये लो कपड़े, जल्दी से पहन लो, ठाकुर साहब नीचे इंतजार कर रहे हैं। जमुना, जमुना, हम तो समझे थे कि तुम नहीं। माँ जी, इस वक्त कुछ मत पूछिए, वक्त बहुत कम है। जमुना, सरस्वती गंगा की बहू नहीं नाचेगी। जिस तरह ठाकुर हंसराज ने
तेरे बाप को इन मगरमच्छों का निवाला बनाया था, ठीक उसी तरह मैं तुझे इन मगरमच्छों का निवाला बनाऊंगा। क्या इसका मतलब मेरा मेरा शक सही था कि पिताजी को मारा गया था? बिल्कुल, यही वो जगह है जहां पर हमारे मालिक ठाकुर हंसराज ने तेरे बाप को ढकेला था, ठीक उसी तरह मैं तुझे आज तेरे बाप के पास पहुंचाऊंगा। नाग देवता, किसी भी तरह कुछ करके मुझे यहां से निकाल दीजिए। सरस्वती की जगह जमुना, वाह, आज तो एक एक करके हमारे दुश्मनों का पूरा परिवार जमा होता जा रहा है। गांव वालों, इस वक्त गंगा की प्रेमिका और पत्नी दोनों यहाँ मौजूद हैं, और आज इन दोनों के वस्त्रहरण देखने का मौका तुम्हें नसीब होगा। लेकिन इनके वस्त्रहरण रोकने के लिए आज कोई कृष्ण नहीं आएगा, कोई कृष्ण नहीं आएगा। जब जब इस धरती पर कंस ने जन्म लिया है, उसका सर कुचलने के लिए कृष्ण भी पैदा होता रहा है। मुझे तुझसे कई पापों का हिसाब लेना है ठाकुर। बोल, कहां से शुरू करूं? अपनी मां के सुहाग से, जिसे तूने इस मगरमच्छ के हवाले कर दिया था? इन बहु बेटियों की इज्जत से, जिसे तू सरे बाजार नीलाम करना चाहता था? या इन गरीबों से, जिनकी जमीनें छीनकर तूने इनके लिए दो गज जमीन भी ना छोड़ी? कहां से शुरू करूं ठाकुर, बोल कहां से शुरू करूं? हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। तुझसे तो मैं खाली हाथी निपटने आया हूं। सुना है कि मौत अपनी जगह और वक्त लिखा कर आती है। तेरी मौत वहां नहीं, यहां लिखी है। मौत की धमकी किसे देता है ठाकुर? मौत से तो मैं भी लड़के आ रहा हूं। तेरे पापों का बही खाता भर चुका है ठाकुर हंस। आज मैं उस पर मौत की मोहर लगाने आया हूं। चल आजा, देखते हैं कितनी ताकत है तुझमें। चला ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो।
इसी जगह तूने मेरा दूध का दांत तोड़ा था ठाकुर। अब मैंने कसम खाई थी कि एक दिन इसी जगह तेरी बत्ती सी न तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। याद है?
जमुना। नहीं। जमुना रुक जाओ। मना, मना। नहीं। सरस्वती।